जो अपना अगला पॉइंट है वो उसके पहले वाला अपन ने जो डिस्कस किया था स्टट रिड्यूस, मेरे ख्याल से स्टट रिड्यूस के 3 पॉइंट पक्का क्लियर है। ओके अब अपना अगला पॉइंट जो है कि क्लॉज अपना 8। ओके मेरे ख्याल से एवरी क्लियर, 6 गया 7th, ओके 8th वाले पे आए। 8th वाला इज रीपेमेंट ऑफ ड्यूज। अब रीपेमेंट ऑफ ड्यूज में तू ध्यान रख, सबसे पहला तेरे को देखना क्या है, वेदर कंपनी हैज डिफॉल्टेड और नॉट इन रीपेमेंट ऑफ ड्यूज। ओके अगर कोई लोन लिया है, कोई बोरोइंग ली है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, खाली इधर एक छोटा सा एलिमेंट रहेगा, अगर लोन लिया है बोरोइंग ली है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से या गवर्नमेंट से, और एक एलिमेंट आ गवर्नमेंट से और डिबेंचर होल्डर, इनके रीपेमेंट में अगर डिफॉल्ट हुआ है तो पहला पॉइंट वो रहेगा, मुझे इनके पेमेंट में डिफॉल्ट हुआ। ओके वो डिफॉल्ट हुआ, अगर ये हा है तो ये डिफॉल्ट के लिए ओके मुझे डिस्क्लोजर देने होंगे, दैट इज योर पर्टिकुलर पॉइंट, दैट्स इट। दो चीज है, सबसे पहले तो ये पता कर रीपेमेंट का सिनेरियो क्या है, रीपेमेंट शेड्यूल ले, रिपेमेंट शेड्यूल लेने के बाद देख ले, और उसमें अगर कोई डिफॉल्ट हुआ है वो डिफॉल्ट को तेरे को डिस्क्लोज करना है, और डिस्क्लोजर में तेरे को ऑलरेडी समझ में आना चाहिए ओके कौन सा डिफॉल्ट हो रहा है और कितना अमाउंट है डिफॉल्ट का, दैट्स इट, ये रिपेमेंट ऑफ ड्यू है। लेकिन खाली एक ही एडिशनल पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना होगा, यहां पर जब मैं बोल रहा हूं बैंक FI, ये तो सब लोग को मालूम ही है, इसके बाद मैं क्या बोल रहा हूं गवर्नमेंट, लेकिन व्हेन वी आर डिस्कसिंग द गवर्नमेंट ओके इट शुड ओनली इंक्लूड ओनली स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और इट्स यूनियन टेरिटरी। ओके यानी गवर्नमेंट विल नॉट इंक्लूड एनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी अगर कोई लोन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से लिया है वो इस पार्ट में क्लॉज में कवर नहीं है। ओके फॉरेन गवर्नमेंट इस क्लॉज में कवर नहीं है, इट इज ओनली अपना स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और उनकी यूनियन टेरिटरी, उनसे अगर तुमने लोन लिया है और वो लोन में डिफॉल्ट हुआ है तो तुमको डिस्क्लोज करना है। और एक एडिशनल एलिमेंट डिबेंचर होल्डर, जो कि अपना पहले नहीं था डिबेंचर्स में, क्योंकि अपन जब लिमिट कैलकुलेट कर रहे थे इट वाज ओनली बैंक एंड फाइनेंशियल PFI, बस यही सिनेरियो था, यही 4 पॉइंट डिस्कशन में है, इनके एक्सप्लेनेशन में ये लिखा हुआ, दैट्स इट। तो सबसे पहले तू रीपेमेंट, तेरे को कैसे मालूम पड़ेगा ये मतलब इन्होंने डिफॉल्ट किया, रीपेमेंट शेड्यूल ले ले और उसके सामने पेमेंट हुआ कि नहीं देख ले, पेमेंट नहीं हुआ तो क्या हुआ डिफॉल्ट, डिफॉल्ट हुआ तेरे को डिस्क्लोज करना है। ओके इवन डिफॉल्ट एक दिन का रहा, डिफॉल्ट मतलब डिफॉल्ट ऐसा हो सकता है बैलेंस शीट के एंड डेट पे वो डिफॉल्ट आपने मिटिगेट किया होगा, मिटिगेट किया होगा मतलब क्या हो गया, ओके आपने दिसंबर का पेमेंट था दिसंबर में नहीं किया, जनवरी में नहीं किया, फरवरी में नहीं किया, मार्च में आने के बाद क्लोज टू बैलेंस शीट था तो आपने कर दिया, फिर भी कारों में डिस्क्लोजर आएगा। डिफॉल्ट इट इज डिस्कसिंग अ डिफॉल्ट, इट इज नॉट डिस्कसिंग ओनली एट द फाइनेंशियल ईयर एंड पीरियड एंड, ये डिफॉल्ट आपका ड्यूरिंग द कोर्स ड्यूरिंग द पीरियड अगर आपका कोई डिफॉल्ट हुआ है उसको डिस्क्लोज करना है मालिक, एवरी क्लियर, और यही सिनेरियो के अंडे अपडेट करना है। तो इसमें खाली बस गवर्नमेंट का ध्यान रखना, मतलब गवर्नमेंट में क्या क्या आएगा और इस केस में डिफॉल्ट का सिनेरियो रहेगा, मतलब ये डिबेंचर का पॉइंट रहेगा। ओके रीपेमेंट ऑफ ड्यू अपडेट कर दो। 8th पॉइंट, रीपेमेंट ऑफ ड्यूज, फर्स्ट पॉइंट डैश वेदर द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन द रिपेमेंट ऑफ लोन्स और बोरोइंग्स, लोन्स और बोरोइंग्स। टू बैंक FI, गवर्नमेंट बैंक FI, गवर्नमेंट और ड्यूज टू डिबेंचर होल्डर। सबसे पहला वेदर, स्टार्टिंग में आपने लिखा रिपेमेंट ऑफ ड्यू, वेदर द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन द रीपेमेंट ऑफ द लोन और बोरोइंग टू बैंक FI, गवर्नमेंट और ड्यूज टू डिबेंचर होल्डर। It is irrespective when default has occurred. It is irrespective when those default have occurred. Default have occurred. Dot. All defaults
ऑन ऑल डिफॉल्ट्स ऑन बैलेंस शीट डेट, ऑल डिफॉल्ट्स ऑन बैलेंस शीट डेट विल बी कंसिडर्ड. डॉट गवर्नमेंट मीन्स बैलेंस शीट डेट विल बी कंसिडर्ड. डॉट पहला ही पॉइंट चल रहा है. गवर्नमेंट मीन्स कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. एंड इट्स डिपार्टमेंट और यूनियन टेरिटरी. इट्स डिपार्टमेंट और यूनियन टेरिटरी. डॉट कंटिन्यू. इट डज नॉट इंक्लूड गवर्नमेंट कंपनी. इट डज नॉट इंक्लूड गवर्नमेंट कंपनी एंड फॉरेन गवर्नमेंट. मैडम एट लेना है तो ठीक है ना, ले सकते हैं. ये बेज मतलब क्लास में नीलाम करके फिर एट लेने में मजा क्या है मैडम ने? किसने लिया फोटो फोटो? एंड फॉरेन कंपनी. फॉरेन कंपनी नहीं रहे, फॉरेन गवर्नमेंट. डॉट सेकेंड पॉइंट. पहला तो अपन को रीपेमेंट ऑफ ड्यूज का है. अब ये तेरे को कैसे मालूम पड़ेगा ओवर ड्यू है? क्या लेना पड़ेगा? शेड्यूल. द ऑडिटर शुड ऑब्टेन द शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट. सेकेंड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट. अब डिस्क्लोजर पे आ रहे हैं अपन. द ऑडिटर शुड ऑब्टेन शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट. शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट एंड कंफर्मेशन फ्रॉम कंसर्न बैंक और FI. कंसर्न बैंक और FI. डॉट अंडर दिस क्लॉज. कंटिन्यू. अंडर दिस क्लॉज ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू गिव लेंडर वाइज डिटेल इन केस ऑफ बैंक. अंडर दिस क्लॉज ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू गिव लेंडर वाइज डिटेल इन केस ऑफ बैंक FI एंड गवर्नमेंट. लेंडर वाइज डिटेल इन केस ऑफ बैंक FI एंड गवर्नमेंट. मेरे को बताओ डिबेंचर होल्डर में वो लेंडर वाइज डिटेल दे सकता है क्या? क्या? हाँ. ओके. बट नॉट इन केस ऑफ डिबेंचर होल्डर. बट नॉट इन केस ऑफ डिबेंचर होल्डर. बट नॉट इन केस ऑफ डिबेंचर होल्डर. लेंडर वाइज डिटेल चाहिए, बात खत्म. दैट्स इट. मालिक क्लियर? ओके. यूजुअली अपन एक CDR देखा था. CDR का मतलब क्या याद है क्या? कुछ कॉर्पोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग याद आया? ओके. अपन ने जब बैंक केस में लास्ट इसमें देखा था तो NPA बैंक ने NPA क्लासिफाइड करने के लिए CDR की वजह से स्टैंडर्ड एसेट सब स्टैंडर्ड एसेट ये डिस्कशन किया था. अब यहां पर एज्यूम करते हैं इन लोग ने CDR किया. CDR किया फिर भी डिस्क्लोजर लगेगा? ओवरड्यू हो चुका था. ओवरड्यू होने के बाद ही CDR करेगा ना वो. ओवरड्यू हो चुका था, CDR किया. ओके. याद होगा तो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड में था, याद है ना? वो बैंक के नाम से थे. अपन अभी कारों की बात कर रहे हैं. इफ देयर इज अ CDR. ओके. शुड दिस क्लॉज एप्लीकेबल. यानी CDR होने के बाद वापस वो लोग क्या करेंगे? वो मालूम है ना सब चीजें करेंगे. इफ यू रिमेंबर सेक्रीफाइस ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट होगा, वट एवर इट मे बी. अब क्वेश्चन ये आता है अगर CDR हो गया और पोजिशन वापस सेम हो गई, शुड आई डिस्क्लोज दिस? यस. याद रखना इन केस ऑफ CDR दे क्लॉज निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा. वापस तेरे लिए एप्लीकेबिलिटी क्लॉज की एप्लीकेबिलिटी इन इनिशियल केस है. तो एक लाइन खाली स्टार मार्क कर रख दो. इन केस ऑफ CDR कंटिन्यू मतलब एक स्टार मार्क करके रख दो. खाली केस स्टडी के लिए चाहिए, इसमें लिखने का पॉइंट नहीं है. बस वो तेरे को खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ. बाई चांस केस स्टडी में वो लोग दे देवे CDR कर लिया तो भी तेरे को क्या बोला? डिफॉल्ट हुआ ना, खत्म. डिफॉल्ट का डिस्क्लोजर है. ओके. इन केस ऑफ CDR कॉमा इट डज नॉट मीन दैट नो डिफॉल्ट हैज ऑकर्ड.
डज नॉट मीन नो डिफॉल्ट हैज ऑकर्ड, मतलब डिफॉल्ट है वो, खाली इतना होगा पीरियड ऑफ डिफॉल्ट कम हो जाएगा, मतलब समझा। तो यूजुअली इसमें डिस्क्लोजर पीरियड ऑफ डिफॉल्ट भी देना पड़ता है। ये हो गया तेरे लिए रीपेमेंट ऑफ ड्यूज। तो रीपेमेंट ऑफ ड्यूज में दो वर्ड हाईलाइट कर ले, ओके। पर पहले वाले वर्ड में चार पांच बहुत सारी पॉइंट रहेंगे। सबसे पहला क्या रहेगा, डिफॉल्ट इन किसमें, लोन्स और बोरोइंग्स, दो वर्ड किसके से, बैंक FI, गवर्नमेंट और डिबेंचर, ओके। बाकी तो सब पंचायती थी। और उसके बाद डिस्क्लोजर में लेंडर वाइज डिटेल, लेंडर वाइज डिटेल, मालिक क्लियर, लेंडर वाइज डिटेल चाहिए। खाली डिबेंचर में लेंडर वाइज नहीं होगा, डिबेंचर में जो टर्म में वो हुआ ये खत्म है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया रिपेमेंट ऑफ ड्यूज। तो दो दो ड्यूज थे, अगर तेरे को याद है तो अपने कॉन्सेप्ट ऐसे पढ़ा था, ओके। कॉस्ट ऑडिट, स्टैट्यूटरी ड्यूज, रिपेमेंट ऑफ ड्यूज, ड्यूज 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 में पैसा आया होगा ना, एंड यूज ऑफ मनी बोरोड। तो नेक्स्ट पॉइंट इज एंड यूज ऑफ मनी रेज्ड, क्लॉज 9th, एंड यूज ऑफ मनी रेज्ड, एंड यूज ऑफ मनी रेज्ड, ओके। क्लॉज इजी है, एंड इज ऑफ मनी रेस्ट, ओके। कॉन्सेप्चुअली एक ही टर्म है, अगर आपने IPO दिया, इनिशियल पब्लिक ऑफर किया, या फर्दर पब्लिक ऑफर किया इंक्लूडिंग ए डेप्थ इंस्ट्रूमेंट, डजंट मैटर, ओके। यानी आपके प्रोस्पेक्टस में लिखा होगा किसके लिए, पर्पस के लिए पैसा चाहिए, इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर, ये किया है, या आपने टर्म लोन लिया है, ऑडिटर पता कर जो प्रोस्पेक्टस में पर्पस लिखा है उसी पर्पस के लिए ये यूज हुआ है, या बैंक से जब लोन लिया होगा जो पर्पस बताया है वही पर्पस में लोन, ये लोन यूज हुआ है, देयर मे बी डिपार्चर, देयर मे बी डिपार्चर, बट देयर शुड नॉट बी मटेरियल डिपार्चर, देयर मे बी डिपार्चर हो सकता है थोड़ा इस 19-20 हो सकता है, लेकिन 19-20 ही होना चाहिए, 10 और 20 नहीं होना चाहिए, ओके। सो यहां पर तेरे को कब डिस्क्लोजर देना है, इफ देयर इज ए मटेरियल डिपार्चर इन एंड यूज ऑफ मनी रेज, तब तेरे को डिस्क्लोजर देना है कौन सा पैसा उस पर्पज के लिए यूज किया है, ओके। अब मेरे को बता IPO और FPO इनके पैसे उसी पर्पज के लिए यूज किए, तो सबसे पहले तेरे को प्रोस्पेक्टस लेना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस में पर्पज यूज करना है, पर्पज देखना है, और पर्पज देने के बाद मैनेजमेंट से बात कर ले और मैनेजमेंट का ओपन देख ले, फंड उसी के लिए यूज हुआ है क्या, जस्ट चेक इट आउट। एंड सेम लॉजिक टर्म लोन, यूजुअली टर्म लोन में यूजुअली टर्म लोन लेते हैं फिक्स एसेट्स के लिए, बैंक क्या करती है, बैंक या FI जो भी रहेगा टर्म लोन लेती है तो वो फिक्स एसेट को गिरवी रखती है, तो वो यूजुअली मॉर्गेज के पेपर हो सकते हैं, चेक इट आउट, वो पेपर तेरे पास मॉर्गेज के पेपर है, बैंक ने वो मॉर्गेज रखा हुआ है, बात खत्म, बोला भाई ये एसेट है, ये मेरी सिक्योरिटी है, तो इस पर्पज के लिए यूजुअली अपर कार लोन लिया, मैंने कार लोन लिया तो कार मॉर्गेज रहती, ओके। इस कार वाला पॉइंट है, और उसके बाद NOC आता अपने को बाद में, पेमेंट हो गया तो फिर NOC के बाद अपन क्लियर करते हैं उसको, टाइटल को, बस यही सिनेरियो तेरे को चेक करना है, दैट्स इट। तो ये हो गया तेरा क्लॉज 9th, जिसमें एंड यूज ऑफ IPO एंड FPO तूने किया है कि नहीं, ओके। व्हेन वी आर डिस्कसिंग दिस पॉइंट, यहां पर तेरे को मैंने ये बता दिया, ओके, ऑफर डॉक्यूमेंट चेक करना है। दूसरा मैंने आपको बताया, ओके, मटेरियली, मटेरियल वर्ड होना जरूरी है, मटेरियली डिफरेंट पर्पस के लिए यूज नहीं होना चाहिए, देर कैन बी अ डिफरेंट पर्पस, थोड़ा सा अरे 19-20 हो सकता है, एग्जाम्पल अभी यार मैंने स्कूटर लेने के लिए पर्पस, एग्जाम्पल कार के लिए पर्पस के लिए लिया, लेकिन ड्यू कोर्स में कार का मेरे को इंश्योरेंस अमाउंट भी लेना था, फिर मैंने कार का सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है जो बढ़ाना था मेरे को 2 साल, मैंने क्या किया, कार का 2,00,000 रुपया सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी पे किया, ओके। अब नाउ इट इज इन कोर्स ऑफ दिस पॉइंट, देयर इज नो डिपार्चर इज देयर कार का, लेकिन इट इज नो मटेरियल डिपार्चर। अब कार छोड़कर मैंने वो पैसा घर के लिए यूज किया, नाउ इट इज मटेरियल जवाब, ये सिनार रहेगा। तो यूजुअली क्या होता है, ओके, एग्जाम्पल कमीशन फीस देते हैं, ब्रोकरेज देते हैं, अंडरराइटर कमीशन रहेगा, ये सारी चीजें उसमें से ही निकालेंगे वो लोग, फिर उसमें ऑडिटर ने रेज नहीं करना चाहिए, जिस पर्पज के लिए पैसा किया साला उसमें से इसको ये दिया हुआ है, ये हो सकता है मटेरियल डिपार्चर नहीं होना चाहिए, जिस पर्पज के लिए नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से मालिक क्लियर। ये पॉइंट आपको अपडेट करना है, अपडेट मार दीजिए, एंड यूज ऑफ मनी रेज्ड, फर्स्ट पॉइंट, डिटरमाइन वेदर मनी रेज्ड बाय वे ऑफ determine whether money raised by way of IPO
इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर एंड टर्म लोन्स, फर्दर पब्लिक ऑफर एंड टर्म लोन्स आर यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच दे आर रेस्ड, आर यूज्ड फॉर द पर्पस, आर यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच दे आर रेस्ड. अब इसके बाद वाला लाइन तो तेरे को समझ, मतलब ये लिखना बाकी और, लेकिन इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट मैं समझा दूं. यानी इफ नॉट डिस्क्लोजर लगेगा, वो तो सेकंड पॉइंट आएगा. तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर अपने को लिखना होगा. ओके डॉट. एग्जामिनेशन क्या करना होगा तेरे को? नहीं नहीं सबसे पहले क्या देखेगा? ऑफर डॉक्यूमेंट. ओके एग्जामिनेशन ऑफ, कंटिन्यू. हाँ ये पैराग्राफ पॉइंट में लिख दो. एन एग्जामिनेशन ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट वुड प्रोवाइड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रपोज पर्पस. An examination of offer document would provide an understanding of proposed purpose. Understanding of proposed purpose. The auditor should examine. There is no material departure from proposed purpose. The auditor should examine. There is no material departure from proposed purpose. ओके ब्रैकेट में लिख देना एक्सक्लूजन. मनी रेज फ्रॉम कैपिटल फॉरेन मार्केट, ब्रैकेट में एक्सक्लूजन. मनी रेज फ्रॉम फॉरेन कैपिटल मार्केट, मनी रेज फ्रॉम फॉरेन कैपिटल मार्केट जीडीआर एडीआर. मनी रेज फ्रॉम फॉरेन कैपिटल मार्केट कॉमा जीडीआर एडीआर. जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, American Depository Receipts. यानी ऑडिटर ने इन तीन का पर्पस नहीं चेक करना, इन तीन का पर्पस नहीं चेक करना होगा. डॉट. ओके ये हुआ अपन आईपीओ एफओ खत्म नहीं हुआ. आईपीओ एफओ खत्म, एफपीओ खत्म हुआ. ओके टर्म लोन मॉर्गेज पेपर. डॉट टर्म लोन कंटिन्यू. सर फर्स्ट पॉइंट को ही अपन, फर्स्ट पॉइंट में अपन ने क्या लिखा? आपने कौन से पर्पस के लिए लिया है, तो कौन सा पर्पस कैसे समझेगा, तो अपने वो लिखा है. और दूसरा अगर वो पर्पस के लिए यूज नहीं किया तो उसमें डिस्क्लोज क्या करना है वो लिखना है. डॉट. तो अपन ने अभी जो पहला पैराग्राफ लिखा है उसके स्टार्ट में पंचायती लिखी है, ये खाली किसके लिए लिखी थी? आईपीओ एफपीओ. अभी इसके साथ में और एक है ना, टर्म लोन. टर्म लोन डॉट फर्स्ट पॉइंट का कंटिन्यूशन है. टर्म लोन प्रोवाइडेड बाय बैंक और FI फॉर कैपिटल एसेट बिकम्स अ सिक्योरिटी. टर्म लोन प्रोवाइडेड बाय बैंक FI फॉर कैपिटल एसेट बिकम द सिक्योरिटी फॉर द लोन. Become the security for the loan. वो लोन के लिए सिक्योरिटी बन जाता है. डॉट. दैट्स इट. ये ऑडिटर ने चेक करना. अब दूसरा पॉइंट, अब क्या डिस्क्लोज करना होगा? ये तो हो गया तेरे को क्या चेक करना है, दूसरा क्या डिस्क्लोज करना है? इफ इट इज नॉट यूज फॉर मटेरियल डिपॉजिट तो आपको समझा दिया, अगर इफ इट इज नॉट यूज फॉर द पर्पस देन यू नीड टू डिस्क्लोज. डॉट. इफ वापस सेम पॉइंट, आईपीओ एफपीओ एंड टर्म लोन. इफ आईपीओ एफपीओ एंड टर्म लोन इज नॉट यूज्ड
फॉर द पर्पस। कॉमा सजेस्टेड रिपोर्टिंग फॉर्मेट इज गिवन, सजेस्टेड रिपोर्टिंग फॉर्मेट इज गिवन। सजेस्टेड रिपोर्टिंग फॉर्मेट इज गिवन, सजेस्टेड रिपोर्टिंग फॉर्मेट स्क्रीन पे देख लो। नेचर ऑफ फंड रेस्ट, दूसरा पॉइंट डिटेल ऑफ डिफॉल्ट, डिटेल ऑफ डिफॉल्ट, ओके डिटेल ऑफ डिफॉल्ट, उसके बाद अमाउंट एंड लास्ट पॉइंट सब्सिक्वेंटली रेक्टिफाइड और नॉट। चार चीजों का डिस्क्लोजर चाहिए, फॉर्मेट ये रहना चाहिए। अब इसके नीचे वो सारे डिटेल लिख दिया जाएंगे, मालिक समझ में। चार पॉइंट ऐसे ही आप बना लो, आपका आंसर भी यही फॉर्मेट में आना चाहिए। एग्जांपल मैं आपको बता दूं, और एक इसके जैसा और एक मैंने आंसर कौन सा लिखा है, इफ रिमेंबर प्रिंसिपल ओवर ड्यू, इंटरेस्ट ओवर ड्यू फॉर लोन सेक्शन 189 पार्टीज, वो डिस्क्लोजर जैसा था वैसा। पहला है नेचर ऑफ फंड रेज्ड, फ्रॉड नहीं वो, नेचर ऑफ फंड रेज्ड, नेचर ऑफ फंड रेज, ये पहला कॉलम हो जाएगा। सेकंड पॉइंट डिटेल ऑफ डिफॉल्ट, और ब्रैकेट में लिख देने का रीजन, ब्रैकेट में इसके नीचे लिख देना डिटेल ऑफ डिफॉल्ट में रीजन, क्या रीजन है। ऐसे ही बनाना, एक दो तीन मत, चार मत लिखना, अपने पहले लिखा था वैसे मत लिखना, ये ऐसे ही रखना। तीसरा पॉइंट अमाउंट एंड लास्ट पॉइंट सब्सिक्वेंटली रेक्टिफाइड, subsequently rectified। मालिक ले वर्ड मार्क कर लो, अरे क्या पंटर क्या हुआ, बोलना, अरे बोलना है तो क्या हुआ, कुछ तो क्या हो रहा है, बोल माँ, कसम से कसम है, कसम है माँ, कसम स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर क्यूब भी हो जाएगा, बोल रहे क्या हुआ, अरे बोलना है, टेंशन कर रहे, अरे तो क्या टेंशन आ रहा है मेरे से, ओके मेरे ख्याल से एवरीडे क्लियर। वर्ड मार्क कर दीजिए, सबसे पहले इसमें आपका जो वर्डिंग जाएगा वो आपका जाएगा फंड वाला, सबसे पहला आईपीओ एफपीओ एंड टर्म लोन, ये तीन वर्ड। उसके बाद प्रोस्पेक्टस ऑफर डॉक्यूमेंट, सॉरी प्रोस्पेक्ट नहीं, ऑफर डॉक्यूमेंट लिखना। ऑफर डॉक्यूमेंट के बाद मटेरियली डिपार्चर, ओके जीडीआर एडीआर और फॉरेन कैपिटल मार्केट, और उसके बाद कैपिटल असेट सिक्योरिटी ऑफ फॉर लोन, कैपिटल एसेट सिक्योरिटी फॉर लोन। मालिक क्लियर, दैट्स इट, ये कंसेप्ट गया इसके अंदर। और दूसरे इसमें तो आपको कुछ याद जो रखना है, वो क्या याद रखना है, पैराग्राफ, पैराग्राफ कौन सा वाला पैराग्राफ, क्या बोलते हैं फॉर्मेट, फॉर्मेट ध्यान रख ले, बात खत्म। अगला पॉइंट इज वेरी क्लियर, ओके दैट इज लास्ट पॉइंट फ्रॉड, ओके टेंथ वाला क्लॉज अगेन वेरी फेवरेट फॉर द इंस्टीट्यूट, लेकिन खाली कारों के लिए आना बहुत मुश्किल है, फ्रॉड आने के चांसेस बहुत है, लेकिन फ्रॉड में अभी तुझे क्या क्या लिखना होगा, एक 240 अपने लिखा था, ओके 240 वाला सिनारियो लिखना। सेकंड कारों का जो अपन ये लिख रहे हैं, ये क्लॉज का रेफरेंस याद रखना है, क्लॉज 10 तो लिखना ही पड़ता, ओके ये वाला सिनारियो रहेगा, ओके और तीसरा सिनारियो जो अपन एंड ऑफ द लेक्चर आज देखेंगे, ओके दैट इज योर सेक्शन वाला पॉइंट, जहां पर अपने को लेस देन 1 करोड़ मोर देन 1 करोड़ के इसमें डिस्टिंग्विश रहेगा। तो अपने को फॉर्मेट याद, ये तीनों आंसर तेरे लिए फॉर्मेट में रहेंगे फ्रॉड का, और ये तीनों आंसर को कंबाइन करके मैंने जो पेज छोड़ा था वो पेज पे मैं अपडेट करूंगा, ओके तो क्लॉज 10 के हिसाब से जो कारों की रिपोर्टिंग है, सबसे पहले ये क्या बोल रहा है, वेदर एनी फ्रॉड, क्लॉज का इंटरप्रिटेशन देख लेना, वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी, बाय द कंपनी और एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी बाय इट्स एम्प्लॉय, any fraud by the company or on the company by its employee,
यानी आपके लिए इंटरप्रिटेशन का, अगर ये क्लॉज का इंटरप्रिटेशन अगर स्ट्रिक्टली करे तो आपको ये समझना है यहां पर जो फ्रॉड देखा जा रहा है, एक्सटर्नल पार्टी ने कोई फ्रॉड किया होगा वो तुझे कंसिडर ही नहीं करना है। तेरे फ्रॉड खाली कौन से वाले फ्रॉड देखने हैं? इंटरनल एम्प्लॉय वाले, या अपनी कंपनी ने कोई फ्रॉड किया होगा। तो सबसे पहला सिनारियो, इसके अंदर तुझे क्या करना है मालिक, सबसे पहले यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन, यानी दिस क्लैरिफाई, दिस क्लॉज क्लैरिफाई दैट यू आर ऑल फ्रॉड नोटिस्ड नीड टू बी रिपोर्टेड, ऑल फ्रॉड नोटिस नीड टू बी रिपोर्टेड। यानी सेकंड पॉइंट, अगर मैं सेक्शन 143 जो अपना बाकी है, 143 वो 12 वाला जो इंपॉर्टेंट क्लॉज है अपने फ्रॉड के लिए, उसके अंदर दो चीज है, एक है एक्चुअल फ्रॉड और एक है सस्पेक्टेड फ्रॉड। तो यहां पर आपको क्लियर याद रखना है, यहां पर खाली कौन सा फ्रॉड इंक्लूड करना है? एक्चुअल फ्रॉड। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्लूड सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड रहा तो उधर रिपोर्ट करने का लॉजिक अलग ही है। यहां पर खाली कौन से फ्रॉड इंक्लूड किए जाएंगे? एक्चुअल। तीसरा सिनेरियो, यहां पर प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी अप्लाई करोगे। अगर आपको याद है जब अपने ऐसे पढ़ा था तब अपन बोल रहे थे कि फ्रॉड मटेरियल हो या ना हो फ्रॉड फ्रॉड है, लेकिन यहां पर कारों में रिपोर्टिंग करते वक्त इन लोग ने क्या बोला है? प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी चेक करना जरूरी है फ्रॉड में। हर फ्रॉड आप रिपोर्टिंग नहीं करोगे, और लॉजिक वही है रे, 1 करोड़ के नीचे वाले फ्रॉड आपने गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया क्या? शायद जिसको मालूम हो, नहीं मालूम है तो सेक्शन 143 वो अपना जो बाकी है उसके अंदर है, 1 करोड़ के नीचे है तो फ्रॉड किसको रिपोर्ट करना है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिट कमेटी, इन दोनों को करना है, और उनके पास वो लोग काम करेंगे, उनकी रिपोर्ट में डालेंगे। 1 करोड़ के ऊपर रहा तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी मटेरियलिटी हो गई ना। इसीलिए कारो किसको जाने वाला है, ये रिपोर्ट किसको बना, किसके लिए बना रहे अपन? सेंट्रल गवर्नमेंट। बस उसने इसलिए बोला कि प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी यूज करो। तो आप यहां पर कहीं पर भी दिमाग में मत लगाना कि मटेरियलिटी, सर आपने तो बोला था फ्रॉड में मटेरियलिटी नहीं करनी है, तो फ्रॉड में मटेरियलिटी तेरे को करनी ही नहीं है, कारों में जाएगा तब मटेरियल देख, ये सिनेरियो तेरे को ध्यान रखना है। तो प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी डज नॉट अप्लाई ऑन फ्रॉड, बट इन दिस केस ऑफ कारो यू विल अप्लाई देयर। ओके, व्हेन वी आर डिस्कसिंग दिस पॉइंट, यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर यह भी पता करो रिपोर्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिटर क्या स्टेटस है ऑन फ्रॉड। अपन से ज्यादा पहले किसने डिस्कस करना चाहिए था, किसने डिस्क्लोज करना चाहिए था? इंटरनल ऑडिटर। रिपोर्ट्स ऑन इंटरनल ऑडिटर चेक कर लो। ओके, इंक्वायरी विथ मैनेजमेंट करो, ये अपन ने डिस्कस भी किया रे अबाउट द फ्रॉड। एंड लास्ट पॉइंट, ओके, इसी के साथ में मिनट बुक देख लो ऑफ बीएम। बीएम मतलब, क्योंकि वो अपना 1 करोड़ के नीचे वाला फ्रॉड उसके पास ही जाने वाला है, तो मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग के फ्रॉड के डिटेल, तब तो उनको मालूम पड़ेंगे ना ये फ्रॉड हुए रहेंगे। और आखिरी पॉइंट, मतलब इसको ही वाइंड अप, WR ले लो, WR रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ये लिस्ट ऑफ फ्रॉड्स है जो हमको मालूम पड़ी है, दैट्स इट। ये तेरा प्रोसीजर है, यानी यहां पर तेरे को डिस्क्लोजर करने के पहले तेरे को प्रोसीजर परफॉर्म करना है, दैट्स इट। दिस इज व्हाट योर फ्रॉड का प्रोसीजर। तो फ्रॉड के प्रोसीजर में अगर तेरे को याद है तो फ्रॉड के प्रोसीजर में ये सबसे पहला था RAP, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। शायद तेरे को याद है तो IIAE, इंक्वायरी एनालिटिकल प्रोसीजर, NE, इवैल्यूएशन ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर। ये एक आंसर आने के बाद अपना कारो का ये एक आंसर, ये पूरा आंसर लिखना नहीं होता है वैसे भी, जब अगर आंसर कॉम्बो होता है तो खाली कारों का बोलूंगा, खाली कारों में फ्रॉड के लिए क्या होगा तो आंसर तेरा ये होगा, और कॉम्बो रहा तो ये कंबाइन रहेगा, और उसके बाद सेक्शन 143 सबसेक्शन 12, जिसको ये आंसर तेरे को पूरा लिखना होगा, ये आंसर कंसाइज करना होगा, ये आंसर तो एक लाइन मारना होगा, दैट्स इट, तब जाके तेरा फ्रॉड का आंसर पूरा होगा, अगर फ्रॉड के ऊपर वो लोग स्पेसिफिक नहीं पूछ रहे तो। लेकिन फ्रॉड के ऊपर स्पेसिफिक आया तो स्पेसिफिक आंसर पे जाएगा, दैट्स इट। दिस व्हाट योर कारो वाला पॉइंट इज देयर, एवरीबॉडी क्लियर? ओके, ये खाली फ्रॉड अगर कंपनी पे हुए है उनकी एम्प्लॉय से या कंपनी ने की है, बस बात खत्म, दूसरे फ्रॉड का तुझे कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब दूसरे फ्रॉड में देखूंगा ही नहीं, नॉट हियर, विल बी टेकन केयर बाय स्टैंडर्ड। ओके, मालिक ध्यान रखना, स्टैंडर्ड के हिसाब से तो तेरे को सारे फ्रॉड देखने हैं। ओके, यहां पर मेरे को खाली रिपोर्टिंग के लिए मेरे को इतना रिपोर्ट करना है, अपडेट मान लो फ्रॉड। फर्स्ट पॉइंट फ्रॉड, फर्स्ट पॉइंट वेदर एनी फ्रॉड बाय कंपनी और एनी फ्रॉड, वेदर एनी फ्रॉड बाय कंपनी और एनी फ्रॉड ऑन कंपनी वेदर एनी फ्रॉड बाय कंपनी और एनी फ्रॉड ऑन कंपनी बाय इट्स ऑफिसर और एम्प्लॉय, by its officer or employee by its officer or employee has been noticed or reported during the year, has been noticed or reported during the year,
मान ली क्लियर। अब इसका सब पॉइंट वन टू थ्री करते जाओ। सब पॉइंट वन, विच फ्रॉड विल बी टेकन केयर ऑफ, एक्चुअल और सस्पेक्टेड? ओनली एक्चुअल फ्रॉड। सब पॉइंट वन, वन का सब पॉइंट वन, ओनली एक्चुअल फ्रॉड शैल बी इंक्लूडेड हियर एंड नॉट सस्पेक्टेड फ्रॉड्स, एंड नॉट सस्पेक्टेड फ्रॉड्स। सब पॉइंट टू, कौन सा प्रिंसिपल लगाना है? एंड नॉट सस्पेक्टेड फ्रॉड्स, हुआ मालिक? सेकेंड पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ मर्टलिटी, प्रिंसिपल ऑफ मर्टलिटी विल बी अप्लाइड। प्रिंसिपल ऑफ मर्टलिटी विल बी अप्लाइड। थर्ड पॉइंट, ऑडिटर शुड वेरीफाई, रिपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑडिटर। मां कसम, ऑडिटर शुड वेरीफाई रिपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑडिटर। फॉर फ्रॉड्स, मालिक क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या रहे करें? फिर क्या करना? इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट फॉर इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट फॉर एनी फ्रॉड नोटिस्ड ड्यूरिंग द ईयर। Noticed during the year. Malik clear? Next point. कौन सा रिपंटर? और एक करेगा minutes. Read MOM of board meeting. Read MOM of board meeting in this regard. In this regard. In this regard. And last point, obtain WR. From management. Malik clear? पहले word mark कर लो। ये हुआ था, ये किसके लिए लिखा अपने सारे points? First के लिए। Second में अगर fraud है तो nature of fraud बताओ और अमाउंट बताओ, दैट्स इट। डिस्क्लोजर यानी सेकंड पॉइंट, वी आर डिस्क्लोजिंग, क्या डिस्क्लोज करना है। तो पहले एक बार वर्ड मार्क कर लो, फिर डिस्क्लोजर पे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट एक्चुअल, सस्पेक्टेड, दोनों वर्ड मार्क करना। मटरलिटी, फिर इंटरनल ऑडिटर, फिर इंक्वायरी, फिर मिनट्स, लास्ट है डब्ल्यू आर। सेकेंड पॉइंट फ्रॉड गए, द नेचर एंड द अमाउंट इन्वॉल्व। फ्रॉड के लिए फर्स्ट लिखा, फर्स्ट के लिए आपने ये टोटल ए टू एफ पॉइंट लिख लिए सारे, ओके। फिर बाद में सेकंड पॉइंट में, अब अगर ये इन्वॉल्व फ्रॉड है तो क्या नेचर है और क्या अमाउंट है। तो सेकंड पॉइंट, द नेचर एंड द अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड, द नेचर एंड अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड शुड बी इंडिकेटेड। Nature and amount involved in the fraud should be indicated. All clear? That's your content with your 10th wala, fraud wala point. So, 1 se 10 tere clause gaye. So, isme khali tere ko do word mark karne hai. Ek hai nature aur amount. So, 1 se 10 sath tere gaye. Pehla gaya tera? Pehla kya tera hai? Fixed assets. Dusra, inventory. Loan, loan. Uske baad, deposits. Idhar tak clear tha. Uske baad, 5. Cost records. Statutory dues, repayment of dues. Dues aya to end use of borrowings. And last is cost. Abhi apne bolay jaye last 6 clauses. Same jitna set hai itna hi set hai. Last set 6 clauses ka. Ab wala apna jo clause aya wo aya 11th. Clause 11. That is called managerial remuneration. Managerial remuneration, okay, is aapka section 197 ke compliance mein hona chahiye. Bas answer thodi easy hai managerial remuneration ka. To be very precise, managerial remuneration ke liye within the limit hona chahiye.
कैलकुलेशन करना चाहिए, वो कैलकुलेशन बरोबर कर लो तुम, लेकिन एक चीज इसमें क्रिटिकल है, दैट मैनेजरल रेमुनरेशन इज एप्लीकेबल ओनली इन केस, सेक्शन 197 इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, यानी इन केस ऑफ कारो एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी दिस क्लॉज इज नॉट रिपोर्टेबल, ये चला जाएगा, तो क्लॉज रिपोर्टेबल नहीं है, आंसर कुछ नहीं है, वही है जो मतलब ये हार्डली सबसे छोटा सा पॉइंट, वापस मैनेजर रेमुनरेशन, उसके बाद वाला भी आफ्टर मैनेजर रेमुनरेशन द कॉन्सेप्ट इज नीदी कंपनीज, चिट फंड कंपनीज, ओके, यानी निधि कंपनीज ऐसी कंपनी जो ले रही है, तो इनके पास दो कंप्लायंस देखने हैं, इनका डिपॉजिट्स जो ले रहे हैं, ओके, इनकी लायबिलिटी के अगेंस्ट, ये 1/20 वाला रेशियो के मैच में होना चाहिए, और अनइनकम्बर्ड 10% होने चाहिए डिपॉजिट्स, बस ये दो कंप्लायंस हुए, बात खत्म, एज ए ऑडिटर यू नीड टू चेक इट आउट। अब उसमें तेर को कैलकुलेट नहीं करना है, मैनेजमेंट से मांगना है कैलकुलेशन, बस ये कैलकुलेशन में क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, वो दिया है, तो उन लोगों ने नीति कंपनीज के अंदर इंक्लूजन एक्सक्लूजन है, बाकी दो एलिमेंट तेरे को याद रखना है, रट्टा मारने वाला पॉइंट है। तीसरा सिनेरियो आफ्टर नीति कंपनी वाला कॉन्सेप्ट आ गया, इसके बाद वाला अपना तो भाई फेवरेट वाला एलिमेंट है, ओके, इज आरपी, आरपी रेयर पार्टी, यार ये तो अभी यार तेरा स्टैंडर्ड के हिसाब से जो जो जा रहा है वही है भाई, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट तेरे पास एक ही एडिशनल एलिमेंट है जो अपन ने पढ़ा हुआ था, ऑडिट कमिटी का अप्रूवल, बाकी ये क्लॉज 13 यही बोलता है, तो पहले तीन क्या क्या हुए, मैनेजरल रेमुनरेशन गया, निधि कंपनी गया, रिलेटेड पार्टीज गया, मैनेजर रेमुनरेशन, निधि कंपनी, रिलेटेड पार्टी, ये थोड़ा सा सिक्वेंशियली नहीं जाएगा, लेकिन ठीक है, पर ये पॉइंट ध्यान रह जाता है, क्योंकि इतना ही तो पढ़ना, और इसके बाद तेरे लिए और तीन क्लॉज आ जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है और एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, व्हाट इज ए प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, ये डिफाइन नहीं किया है, लेकिन इफ यू हैव इश्यूज सर्टन शेयर्स ओनली टू ए सर्टन क्लास ऑफ यूजर्स और पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, दैट विल बी टर्म्ड एज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। अब वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए आपके कंप्लायंसेस हुए कि नहीं वो चेक करना है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, यूजुअली नॉन कैश ट्रांजैक्शन देखोगे तो बहुत बार मर्जर एक्विजिशन होते हैं, मर्जर एक्विजिशन में आपके कोई एक एसेट लिया जाता है, तो एसेट लेने के बाद मैं आपको शेयर इशू करता हूं, और ये सिनेरियो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। नाउ इन दिस केस ये सारे नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए अपन वरी नहीं कर रहे, लेकिन अगर नॉन कैश ट्रांजैक्शन डायरेक्टर्स के साथ में हुए है तो उसके लिए कंप्लायंस का जरूरी है। तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन विद डायरेक्टर्स यूजुअली ऐसा बहुत बार होता है, लोन ले लेते हैं, लोन के अगेंस्ट कोई एसेट को सेटल करते हैं, ये सिनेरियो के इसमें आपके कंप्लायंसेस है। एंड आखिरी पॉइंट, रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो सारी सिनेरियो है, अगर आपकी कंपनी है जिसका एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल एसेट्स ओवर अदर एसेट्स अगर मोर देन 50% है, और आपका फाइनेंशियल रेवेन्यू ओवर अदर रेवेन्यू इज मोर देन 50%, ओके, ये दोनों अगर एंड मतलब ये दोनों कंप्लाई हुए, तो आपको रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई करना जरूरी है विद रिस्पेक्ट टू एनबीएफसी, तो आपकी एक पर्टिकुलर लिमिट है, वो कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ, उसके रीजन, दैट्स इट। यानी अभी सारे 6 के 6 क्लॉजेज में इट इज ओनली 1-1 कॉन्सेप्ट इन एवरीथिंग, ओके, सारे क्लॉजेज में आपको 1-1 कॉन्सेप्ट है, हाँ मतलब निधि कंपनी में आपके दो कॉन्सेप्ट है, लेकिन पॉइंट दो ही है, पर कंप्लायंस ही है, बस कंप्लायंसेस के सिनेरियो में देखना है। तो लास्ट थिंग क्या है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, नॉन कैश ट्रांजेक्शन, रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई, तो आरबीआई याद रख, ओके, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, नॉन कैश ट्रांजेक्शन, आरबीआई, टोटल लास्ट 6 पॉइंट क्या हुए, सबसे पहले मेरे को मैनेजरल रेमुनरेशन, फिर एक कंपनी, फिर मेरा भाई फेवरेट रिलेटेड पार्टी, इधर तक तो क्लियर हुआ, फिर बाद में तेरे को तीन चीजें देखनी है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, इट इज नॉट प्रेफरेंस शेयर, आप प्रेफरेंस शेयर को कंफ्यूज मत करना, इट इज नॉट प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, गिविंग ए अलॉटमेंट टू ओनली सर्टन क्लास और ग्रुप ऑफ पीपल, उसके बाद ओके नॉन कैश ट्रांजेक्शन ओनली विद डायरेक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट है, एंड लास्ट पॉइंट ओके मालिक एवरी क्लियर, आरबीआई के साथ रजिस्ट्रेशन, ये 6 पॉइंट है। तो इंडिविजुअली सबसे पहले आता है मैनेजरल रेमुनरेशन का, तो मैनेजरल रेमुनरेशन का आंसर तो थोड़ी इजी है, सबसे पहला पॉइंट मैनेजरल रेमुनरेशन एक्सीड नहीं होना चाहिए, ये तो तू भी जानता है, तो मैनेजरल रेमुनरेशन के लिए सबसे पहला सेक्शन 197 का कंप्लायंस देखना है, लेकिन ये कंप्लायंस देखते वक्त तेरे को सबसे पहले किसको अप्लाई करना है, पब्लिक कंपनी, यानी अगर प्राइवेट कंपनी है तो ये क्लॉज पे ऑडिटर को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ओके, यहां पर व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट ये वाला सिनेरियो, तो यहां पर 11% ऑफ नेट प्रॉफिट्स का डिस्कशन दिया हुआ है, ओके, वो होल टाइम डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर, 11% ऑफ नेट प्रॉफिट्स है, जिसमें से आपका वो प्रॉफिट मतलब वो आएगा प्रॉफिट उसके हिसाब से आना चाहिए, ओके, अगर कंपनी लॉसेस इनकर कर रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट, यहां पर अपने लिए इफ देयर इज ए पर्टिकुलर इफ कंपनी इज मेकिंग ए लॉसेस, तो यहां पर अगर प्रॉफिट नहीं है तो यहां पर इफ यू नीड टू टेक इन सर्टन अप्रूवल्स एंड रिजोल्यूशन जो पास करना है, वो रिजोल्यूशन पास हुए कि नहीं, अगर प्रॉफिट नहीं कर रही है, और ये सिनेरियो में अगर मैनेजरल रेमुनरेशन एक्सीड हो गया, ओके, तो आपको रिकवर करना पड़ेगा, ओके, आपका डिस्क्लोजर कारों में क्या है, ये सब तो तेरे को करना ही है, ये करने का प्रोसीजर है। अब बारी आती है डिस्क्लोजर ऑन कारों,
सबसे पहला पॉइंट ओके तेरे को डिस्क्लोजर करना होगा, तूने पेमेंट क्या पेमेंट किसको किसको कर रहे हैं, एमडी को कर रहे हैं, होल टाइम डायरेक्टर को कर रहे हैं, मैनेजर को कर रहे हैं या डायरेक्टर को कर रहे हैं, ये चार में से किसको किसको कितना पेमेंट हो रहा है। ओके दूसरा सिनारियो ओके अमाउंट पेड इन एक्सेस एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, ये भी एक पॉइंट मैंने पहले डिस्कस किया था जब अपने एलओडीआर पढ़ा था। ओके ये अपन ने डिस्कस किया था कि ये जब अपन इस पॉइंट का सैलरी मतलब ये पॉइंट पे सैलरी डिस्कस करेंगे यूजुअली ये सैलरी में सिटिंग फीस नहीं आएगा। ओके ये सिटिंग फीस इंक्लूड नहीं किया जाएगा और कोई डायरेक्टर्स के साथ बाई चांस मेरे कोई ट्रांजेक्शन हो रहे होंगे फॉर पर्टिकुलर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ओके वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो इसमें इंक्लूड कौन सी होगी, सैलरीज बोनसेस एंड अदर थिंग्स। तो ये वाले सिनेरियो में तो यहां पर अमाउंट जो एक्सेस में है वो कितना है। ओके अमाउंट ड्यू टू रिकवरी ऑन बैलेंस शीट डेट कितना है, फर्स्ट पेमेंट कितना गया, सेकंड एक्सेस में कितना गया, थर्ड ऑन बैलेंस शीट डेट रिकवरी अमाउंट कितना है, चौथा कुछ स्टेप्स लिए क्या, स्टेप्स क्या लिए मैंने मतलब मैनेजमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए क्या रिकवरी के लिए, और पांचवा एनी रिमार्क्स यू नीड टू गिव, अगेन एलडीआर ध्यान रखना। ओके ये वाला एलडीआर है, जो जो डिस्क्लोजर वाला पॉइंट है वापस एलडीआर का आरटीपी का ही कारण है और कोई रीजन नहीं है। तो एलडीआर वापस आरटीपी की वजह से जा रहा है, दस ध्यान रख ले ये आंसर तेरे को ध्यान रखना है। हाँ खाली इतना कंफ्यूजन हो सकता है, हो सकता है वो खाली एक मार्क मतलब एक कॉन्सेप्ट ही होगा लेकिन वो एक कॉन्सेप्ट चार मार्क के लिए रहेगा जिसमें तेरे को पूरा कंफ्यूजन आ जाएगा। एग्जांपल जो अपन ने डिस्कस किया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसको कारो एप्लीकेबल है। ओके ऐसा हो गया। ओके और यहां पर वो लोग ऐसा बताएंगे मैनेजर रेमुनरेशन एकदम हाईली लेके जा रहा है मोर देन 11% मोर देन 12% एज ए ऑडिटर हाउ यू विल डिस्क्लोज। ओके बस यही लॉजिक मतलब वही बोल रहा हूँ, ये छोटे छोटे एलिमेंट रह सकते हैं जिसकी वजह से ये एप्लीबिलिटी आ सकती है। तो हो सकता है दैट टाइम यू नीड टू टेक केयर एंड यू नीड टू फोकस इट आउट। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी है बात खत्म, तेरे को 11% ऑफ नेट प्रॉफिट देखना है और उसमें सैलरी बोनस एंड अदर थिंग्स सिटी फीस इंक्लूड नहीं करनी है। उसके बाद में अगर कोई सर्विस चार्जेस के लिए तुझे पेमेंट किए हुए वो इंक्लूड नहीं करना है। ओके द कंप्लायंसेज नीड टू बी डन थ्रू लाइक दिस, मेरे ख्याल से मालिक क्लियर क्लॉज अपडेट कर दो 11। वैसे 6 क्लॉजेस कौन से बचे अभी, पहला मैनेजर रेमुनरेशन, निधि कंपनीज, फेवरेट रिलेटेड पार्टीज, नेक्स्ट सीन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, नॉन कैश ट्रांजेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई, फर्स्ट पॉइंट मैनेजर 11 पॉइंट एलडीआर डिस्क्लोजर, मेन पॉइंट डिस्क्लोजर ही है इसका, मतलब दो तीन डिस्क्लोजर के इंपॉर्टेंट है, बाकी जो कंटेंट है वो एक इंपॉर्टेंट है वो आगे आएगा ही। इलेवेंथ वाला मैनेजर रेमुनरेशन, फर्स्ट पॉइंट पहला मेन पॉइंट लिखना, उसके बाद वो 1 2 3 सारा पॉइंट सारे चलेंगे, यानी था एक ही पॉइंट के लिए सारे एलिमेंट्स है। वेदर एमआर मैनेजरल रेमुनरेशन हैज बीन पेड और प्रोवाइडेड इन अकॉर्डेंस विथ, वेदर मैनेजरल रेमुनरेशन हैज बीन पेड और प्रोवाइडेड इन अकॉर्डेंस विथ सेक्शन 197, फर्स्ट पॉइंट सेक्शन 197 इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी। फर्स्ट पॉइंट अब सब पॉइंट 1 2 3 कर रहे हैं, सेक्शन 197 इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी। Second, the maximum ceiling for payment of managerial remuneration by public company टू चार नाम, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर शैल नॉट एक्सीड 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। Of the company shall not exceed 11% of net profit of the company
कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 198। एक्सेप्ट सेक्शन 198, एक्सेप्ट उसमें से क्या डिडक्ट नहीं किया जाएगा? नहीं नहीं ये नहीं एक्सेप्ट, ये तो सेक्शन 198 है, नहीं मालूम होगा तो ओके ये जो कैलकुलेशन आएगा ये आफ्टर जो नेट प्रॉफिट आ रहा है सेक्शन 198 में, इट ऑल्सो डिडक्ट दिस मैनेजर रेमुनरेशन। ओके ये मैनेजर रेमुनरेशन निकाल के सेक्शन 198 में नेट प्रॉफिट आता है। तो अब जब सेक्शन 198 का 11% कैलकुलेट करेंगे तो अपन नेट प्रॉफिट इंक्लूड करेंगे, लेकिन ये मैनेजर रेमुनरेशन निकला हुआ नहीं रहेगा। ओके और वो मैनेजर रेमुनरेशन में क्या आएगा वो आपका सेकंड पॉइंट, मतलब नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि उसमें अपन सीटिंग फीस इंक्लूड नहीं करेंगे, ए सीटिंग फीस इंक्लूड नहीं करेंगे और उसको कंसिडरेशन नहीं पे करेंगे, उसके अलावा सारी चीजें मैनेजर रेमुनरेशन में आएगी। एक्सेप्ट दैट रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर शैल नॉट बी डिडक्टेड, एक्सेप्ट दैट रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर शैल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट्स। Remuneration of director shall not be deducted from gross profits. नहीं directors, only directors. Directors के term में आ गया। Manager remuneration का point है, वो individual एक एक point में element आता है, तो उनका निकला हुआ जो gross profit आएगा ना, gross profit निकला हुआ जो salary किस में है, तो calculation आएगा। Second terminology में, second point में ये लिखा, third point में अपन ये लिखेंगे, इसके remuneration में क्या include नहीं करेंगे? थर्ड पॉइंट, रेमुनरेशन विल नॉट इंक्लूड सिटिंग फीस, सिटिंग फीस एंड एनी पेमेंट डन फॉर प्रोफेशनल सर्विसेस, एंड एनी पेमेंट डन फॉर प्रोफेशनल सर्विसेस। यानी कोई ट्रांजेक्शन हुआ रहेगा उसके साथ, ओके कोई प्रोफेशनल सर्विसेज दी होगी उसने, एडिशनल प्रोफेशनल सर्विसेज, उसके लिए जो भी पेमेंट रहेंगे वो निकाला जाएगा, उसके लिए रेमुनरेशन नहीं हुआ। यानी 11% में जो अपन इंक्लूड करेंगे उसमें दो चीज का ऐड नहीं होगा इसमें। और एक सिनारियो, अगर कंपनी लॉस मेक कर रही है, लॉस मतलब लॉस है, उसके बाद भी अगर पेमेंट करना है तो यू नीड अप्रूवल, एंड ऑल टुगेदर अगर आपका टर्म लोन भी सब्सिस्टिंग होगा तो वहां पर पीएफआई और वहां से भी आपको अप्रूवल लेना जरूरी होगा। तो आपका चौथा पॉइंट उसी पे आता है, इफ कंपनी हैज नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट, company has no profit or inadequate profit, comma, resolution is required to be passed. Dot. If company pays remuneration to managerial person in excess of the amount, and next point. If company pays remuneration to managerial person in excess of the amount comma, steps are required for recovery. Steps are required for recovery or securing the recovery. And last, इसमें क्या रहेगा? Disclosure में क्या करोगे? सबसे पहले उसको amount कितना payment किया हुआ है, दूसरा excess कितना है, रिकवरी स्टेप्स के पहले उसके पहले बैलेंस शीट डेट पे अमाउंट कितना है एक्सेस का,
ओके जैजॉन क्या हो रहा है और उसके बाद रिकवरी का स्टेप्स आएगा. फर्स्ट पॉइंट पहला पॉइंट ये होगा ओके उसका पेमेंट कितना गया है. सेकंड एक्सेस में कितना गया है. थर्ड कितनी रिकवरी बाकी है एज ऑन बैलेंस शीट डेट. याद रखना फर्स्ट पॉइंट. सिक्स पॉइंट डिस्क्लोजर. डिस्क्लोजर फॉर द डिफॉल्ट नहीं इसको कंटिन्यूशन में डालना है, ये आंसर आएगा. इसका सेकंड में अलग से लिख के मतलब नहीं होगा, इसलिए इसको सेकंड में कब आ रहा था जब अपन डिस्क्लोजर एडिशनल कर रहे थे. ये डिफॉल्ट के कंटिन्यूशन में ये कंटिन्यूशन में लिखना है, इसको सेकंड मेन पॉइंट मत करना. दे हैव नॉट डिस्क्लोजर इन एडिशनल, इन कंटिन्यूशन ओनली है वो प्रोसेस में. छठा पॉइंट है ना मेरे ख्याल से. सिक्स पॉइंट में डिस्क्लोजर फॉर द डिफॉल्ट. फर्स्ट पॉइंट पेमेंट मेड टू चारों नाम. पेमेंट मेड टू चारों नाम. दूसरा सेकंड पॉइंट. पहला पॉइंट पेमेंट मेड टू चार नाम लिख दिया. सेकंड पॉइंट क्या लिखना है. अमाउंट पेड इन एक्सेस ऑफ द लिमिट. अमाउंट पेड इन एक्सेस ऑफ द लिमिट. तीसरा अमाउंट ड्यू फॉर रिकवरी. अमाउंट ड्यू फॉर रिकवरी एज ऑफ बैलेंस शीट डेट. अमाउंट ड्यू फॉर रिकवरी एज ऑफ बैलेंस शीट डेट. एंड लास्ट पॉइंट. लास्ट मतलब लॉजिकली सेकंड लास्ट है. नेक्स्ट चौथा पॉइंट स्टेप्स टेकन फॉर. स्टेप्स taken to secure the recovery of amount. Steps taken to secure the recovery of amount. Steps taken to secure the recovery of amount. And last point. Remarks, if any. Remarks, if any. Clear, Malik? Word mark dena. Sabse pehla private company. दूसरा 11%, तीसरा सिटिंग फीस एंड प्रोफेशनल नेचर, उसके बाद नो प्रॉफिट्स रिजोल्यूशन एंड स्टेप्स एक्सेस ऑफ अमाउंट स्टेप्स फॉर रिकवरी. निधि कंपनी चिट फंड कंपनी. ये निधि कंपनी मेंबर्स लेती है एक अमाउंट से, जो मेंबर्स है उनके एक पर्टिकुलर पॉइंट है ओके. ये सारे इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या निधि. अगर ये निधि कंपनी है आपकी ओके. वापस अगर निधि कंपनी नहीं है तो ये क्लॉज अप्लीकेबल ही नहीं है ओके. तो क्या आपके नेट ओन्ड फंड्स, निधि कंपनी के नेट ओन्ड फंड और सामने डिपॉजिट्स, यानी डिपॉजिट्स मतलब उनकी लाइबिलिटी, सामने वो डिपॉजिट लेते हैं वो ओके. और उनके खुद के ओन फंड, नेट ओन फंड और डिपॉजिट, इनका रेशियो ओके. कितना होना चाहिए 1:20. ये 1:20 के नहीं, ये चेक कर एक पॉइंट. और दूसरा उनके पास जो डिपॉजिट्स है ओके. आर दे मेंटेनिंग 10% ऑफ अनएंकम्बर्ड ओके. डिपॉजिट्स 10% ऑफ अनएंकम्बर्ड डिपॉजिट्स ये मेंटेन करे कि नहीं, ये चेक करना है ओके. 10% ऑफ अनएनकम्बर्ड डिपॉजिट्स मेंटेन कर रहे कि नहीं, यानी ओके. जो डिपॉजिट्स है वहां पर उन लोग ने कोई भी चार्ज नहीं होने चाहिए. 90% ऑफ डिपॉजिट्स पे चार्ज हुए चलेगा, 10% ऑफ डिपॉजिट्स ऐसे होने चाहिए जिसपे कोई चार्ज नहीं है ओके. एनीवे लीस्ट इंपॉर्टेंट पिछले साल जा चुका है ओके. बस यही इतना ही लिखने का था, मतलब इतना नहीं लिखना था, इसमें और भी था लेकिन पर कॉन्सेप्ट यही था, ये दो चीजें उनको डिस्क्लोज करनी थी. तो कारो इसमें अब खाली इतना फर्क है, जब नेट ओन फंड की बात होगी तो आप बोलोगे नेट ओन फंड कौन से, ये डिस्कस करना होगा ओके. डिपॉजिट्स मतलब क्या,
तो नेट ओन फंड में इन लोगों का लॉजिक ये है, आपका शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल जो होता है, आपका पहला पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स लेस रिड्यूस्ड बाय ओके एक्युमुलेटेड लॉसेस, यानी पीएनएल डेबिट बैलेंस जैसा पॉइंट है, और एक साथ में है इनटेंजिबल एसेट्स जो आपके पास ऑफरिंग है, मतलब इनटेंजिबल एसेट्स आपके बैलेंस शीट डेट पे होंगे, इनटेंजिबल एसेट्स को माइनस करना होगा। यहां पर और एक एलिमेंट दिया हुआ है दैट यहां पर ओके प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, प्रेफरेंस शेयर विल नॉट बी इंक्लूडेड। यहां पर खाली कौन से ही शेयर इंक्लूड करेंगे, इक्विटी, दैट्स इट। ये एक तरह का डेफिनेशन याद रखना है। डिपॉजिट्स ओके ऑल डिपॉजिट्स व्हिच हैज बीन इंक्लूडेड दे हैव टेकन बाय इट मेंबर, इट कैन बी रिकरिंग डिपॉजिट, इट कैन बी फिक्स्ड डिपॉजिट और इट कैन बी सेविंग डिपॉजिट्स। बैंक जो काम करती है वैसे ही डिपॉजिट लिए होंगे उन्होंने, फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, सेविंग डिपॉजिट हो सकता है और रिकरिंग डिपॉजिट हो सकता है, ये तीनों डिपॉजिट, ये तीन डिपॉजिट है। अब ऑडिटर ओके तू ये कैलकुलेट करते मत बैठ, उनसे ही मांग नेट ओन फंड्स कितने हैं और डिपॉजिट कितना है, चेक कर ले 1:20 है। अब खाली बस इतना चेक कर नेट ओन फंड में ये सब इंक्लूडेड है और जो एक्सक्लूड करना वो है, और डिपॉजिट में जो सारी चीजें इंक्लूड करनी है वो करना है, बस इतना चेक करना है। और 10% इनकम्बर्ड डिपॉजिट्स है, इस पर पता कर ले भाई यार ओके जो भी ये डिपॉजिट्स है इन लोग ने वो इन्वेस्टमेंट बरोबर कमर्शियल बैंक में किए कि नहीं। 10% विदाउट मॉर्गेज, इट्स फ्री फ्रॉम मॉर्गेज, ये सिनेरियो तेरे को देखना है, दैट्स द ओनली डिस्क्लोजर। अगेन आने के सवाल बहुत मुश्किल है बिकॉज रिपीट हो चुका है, मतलब ये ऑलरेडी जा चुका है, तो रिपीट होने में इतने जल्दी रिपीट होने के चांसेस बहुत सारा कंटेंट बाकी है अभी तक। तो ये हो गया निधि कंपनीज का, एवरीबडी क्लियर? तो निधि कंपनी में दो ही चीज याद रख, क्या रहेगा, 1:20 ओके एंड 10%, 1:20 10%, 1:20 किसके लिए, नेट ओन फंड्स डिपॉजिट्स एंड 10% डिपॉजिट्स ओके विद कमर्शियल कमर्शियल बैंक ओके ये ध्यान रख ले, अनइनकम्बर्ड होना चाहिए ओके मेरे ख्याल से मालिक क्लियर, अपडेट मार दो। निधि कंपनीज लास्ट क्वेश्चन में डिस्क्लोजर एलडीआर, मैं वापस सारी चीजें एलडीआर मार्क कर दूंगा, एक बार सुलह हो गया ना, सुलह के बाद मार्क कर दूंगा। कारो आप कंफर्म लिख लेना, मतलब 100% कारो आता है देर दैट प्लेस, मैसेज नहीं आएगा मैडम आपको, अच्छा वो उधर उधर शिफ्ट किया मेरा, वो मालूम है ना दूसरा है, दो दिन था जिधर उधर ही ओके मैडम। ना भारी रहता ओके अभी मान निधि कंपनी फर्स्ट पॉइंट, सच कंपनी हैज नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट इन द रेशियो ऑफ, सच कंपनी हैज नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट इन द रेशियो ऑफ 1:20 टू मीट द लाइबिलिटी, नेट ओन फंड्स कंटिन्यू, अभी तेरे को दोनों डेफिनेशन लिखने होंगे, नेट ओन फंड्स क्या क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल ओके परफेक्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, इक्विटी शेयर कैपिटल नेट ओन फंड्स इंक्लूड्स इक्विटी शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व्स एज रिड्यूस्ड बाय एक्युमुलेटेड लॉसेस एंड इनटेंजिबल एसेट्स। एक्युमुलेटेड लॉसेस एंड इनटेंजिबल एसेट्स अपीयरिंग इन लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, अपीयरिंग इन लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट डॉट, कौन से शेयर लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट लिखा, कौन से शेयर इंक्लूड नहीं करेगा, प्रेफरेंस शेयर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड, प्रेफरेंस शेयर्स शैल नॉट बी इंक्लूडेड, शैल नॉट बी कंसिडर्ड, मालिक क्लियर डॉट। डिपॉजिट्स क्या इंक्लूड करेंगे, डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स इन फॉर्म ऑफ deposits from members in form of
तीन नाम क्या? एफडी, फिक्स डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स और सेविंग डिपॉजिट। फॉर्म ऑफ फिक्स डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट। लास्ट पॉइंट, इसी केस में ऑडिटर को करना क्या है? ऑडिटर को कैलकुलेट करना है, करे? ऑडिटर शुड आस्क मैनेजमेंट टू प्रोवाइड कंप्यूटेशन। सेम पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट को ही लिख रहे अपन। द ऑडिटर शुड आस्क मैनेजमेंट टू प्रोवाइड कंप्यूटेशन। ऑफ अबव, कंप्यूटेशन ऑफ अबव। मालिक क्लियर? अ सेकेंड, सेकेंड मेन पॉइंट, सच कंपनी इज मेंटेनिंग टेन परसेंट अनएनकम्बर्ड मेंटेनिंग सच कंपनी इज मेंटेनिंग 10% अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट। शेड्यूल कमर्शियल बैंक और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, ये 10% ही होना चाहिए, 10 से ज्यादा हो सकता है, मिनिमम 10 होना चाहिए। ओके, याद रखना, ये 10 से ज्यादा हुआ चलेगा डॉट, इट शुड बी नॉट लेस देन 10%। कंटिन्यू में लिख देना लास्ट लाइन, इट शुड नॉट बी लेस देन 10%, यानी मोर देन हुआ चलेगा, लेस देन नहीं होना चाहिए। ओके, वर्ड मार्क कर देना इसमें। वर्ड क्या मार्क करना है? दो ही वर्ड है, 1:20 ध्यान रख, और ये, और बाकी कुछ भी मत कर, टाइम वेस्ट करेगा या आएगा भी नहीं, गारंटी। अगला अपना फेवरेट आरपीटी, दिमाग खराब कुछ भी नहीं करना, ऑडिटर तेरे को रिपोर्ट क्या करना है। ओके, तो समझ ले रिपोर्टिंग क्या करना है, तेरे को डिस्क्लोजर क्या करना है, तुझे यही पता करना है जो आरपीटी का डिस्क्लोजर हुआ है वो प्रॉपर हुआ है कि नहीं, यानी ऑल टुगेदर तेरे स्टैंडर्ड के पॉइंट प्रोसीजर चल रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, ओके, ऑप्टेन लिस्ट ऑफ कंपनीज। ओके, ऑप्टेन लिस्ट ऑफ कंपनीज, फर्म्स और पर्सन अंडर सेक्शन 189, ठीक है? सेक्शन 189 के इसमें सारी लिस्ट ऑप्टेन कर लो। सेकेंड, ओके, वेरीफाई कर लो वही नाम सेक्शन 189 बुक में है कि नहीं है। तीसरा, ओके, WR ले लो। चौथा, पिछले साल के वर्किंग पेपर्स देख लो। पांचवा, कंपनी के प्रोसीजर पता करो। अब ये इन लोग ने प्रोसीजर लिखा है, अपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लिखा था, प्रोसीजर पता करो टू आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टीज। कंपनी के प्रोसीजर का पता करो टू आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टीज। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सेक्शन 177 के अंदर, ओके, ऑडिट कमेटी को क्या ये ट्रांजेक्शन्स अप्रूव कर रहा है, वो ट्रांजेक्शन अप्रूव कर रहे हैं नहीं, ये पता कर लो। सेक्शन 177 के हिसाब से ऑडिट कमेटी, अगर कंपनी कंपनी को ऑडिट कमेटी एप्लीकेबल है, कंपलसरीली करना होगा, तो उनको ऑडिट कमेटी से अप्रूवल चल रही है, वो अप्रूवल हो रहे कि नहीं ये देख लो। ओके, एंड लास्ट पॉइंट, SA 550, ओके, डिस्क्लोज कर लो। SA 550 याद है ना, उसका कंप्लाइंस देख लो। ओके, ये तेरा सिनारियो है। सर, इसमें डिस्क्लोजर क्या चाहिए? इसमें डिस्क्लोजर वापस तेरा फॉर्मेट वैसे ही आएगा। ये पेज में तीन डिस्क्लोजर चाहिए। सबसे पहला, नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी एंड आरपीटी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। दूसरा सिनारियो, अमाउंट, अमाउंट कितना है। और तीसरा सिनारियो, रिमार्क्स। सर, रिमार्क्स में क्या आ सकता है? एग्जाम्पल, ऑडिट कमेटी का अप्रूवल चाहिए था, बिना अप्रूवल के इन लोगों ने ट्रांजेक्शन किया। ओके, वो रिमार्क्स में जा सकता है। तो रिमार्क्स में आपको कुछ नॉन कंप्लायंस मिला या उनके रजिस्टर में नाम नहीं है, ऐसा कुछ मिला, वो रिमार्क्स में जाएगा। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर, ये लास्ट डिस्क्लोजर रहेगा, दैट्स इट। ये प्रोसीजर और लास्ट डिस्क्लोजर, दिस इज योर आरपीटी। आंसर तोड़ इजी है, कहीं पर भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, एडिशनली तेरे को दिमाग में डालने की जरूरत नहीं है। अपडेट मार दो आरपीटी, आना भी मुश्किल है क्योंकि आरपीटी के लिए पहले ही इतना सारा कुछ है, तो कारों में वो क्या पूछेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा सब मिल रहा है मेरे को। आरपीटी फर्स्ट पॉइंट,
फर्स्ट पॉइंट, द ऑडिटर शुड ऑब्टेन लिस्ट ऑफ कंपनीज, द ऑडिटर शुड ऑब्टेन लिस्ट ऑफ कंपनीज. List of companies, firms or other parties. List of company, firm or other party. Which are required to be entered. Which are required to be entered. Which are required to be entered. Which are required to be entered in section 189 book. In section 189 book. Second, section 189 book. 189 section 189 book, related party book रहे, उसके अंदर वो list obtain करो. Book नहीं ली, वो list obtain करो. Second, मालिक पहला list obtain किया, second वो book के साथ compare करो. Second point, verify the entries. In section 189, verify the entries made in register maintained under. Verifies the entry. Verify the entries made in registered, made in register maintained under. Made under section 189. Made under section 189. Tisra. इन द रजिस्टर मेंटेन अंडर सेक्शन 189. जो भी एंट्रीज आपने ऊपर पहले वाले लिए है ना, वो जो लाइन बाय लाइन बेसिस पे आप कंपेयर कर लो उसके एंट्रीज है क्या. तीसरा, क्या ऑप्टेन करो मैनेजमेंट से, क्या ले लो, डब्ल्यू आर, ऑप्टेन डब्ल्यू आर फॉर कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन. ऑप्टेन डब्ल्यू आर फॉर कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन. पिछले साल का क्या देखेगा तू, वर्किंग पेपर्स. नेक्स्ट पॉइंट, रिव्यू वर्किंग पेपर फॉर प्रायर ईयर. रिव्यू वर्किंग पेपर फॉर प्रायर ईयर्स. ओके, अगला पॉइंट. और एक क्या पॉइंट था, वर्किंग पेपर ले लिया, उनके क्या पता करने है, identify the procedures. Pachwa point, identify the procedures for identification of related parties. Identify the procedure for identification of related parties. Next point, kisse approve karana hai transaction. Okay, next point, verify whether transactions are to be, verify whether transactions are to be approved by audit committee. Last point. क्या कंप्लाई करना, क्या फॉलो करना तूने, एस फॉलो एस ए 550 प्रोसीजर्स. फॉलो एस ए 550 प्रोसीजर्स. एस ए 550 फॉलो क्यों करना होता है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इफ यू रिमेंबर आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन. ओके, ये वाला सिनेरियो. एंड लास्ट पॉइंट, डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड. 8 पॉइंट है, कंटिन्यूशन में लिखना, डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड इन फॉलोइंग वे. डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड इन फॉलोइंग वे, स्क्रीन पे लिखा हुआ ही है. इन फॉलोइंग वे, डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड इन फॉलोइंग वे.
पहला है नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, सेकेंड अमाउंट इन्वॉल्व एंड थर्ड अमाउंट इन्वॉल्व लिखना, अमाउंट इन्वॉल्व एंड थर्ड पॉइंट रिमार्क्स, सब्जेक्टिव रिमार्क्स। मान ली क्लियर? फोर्टीन वाला इस पर वर्ड मार्क कर लो। पहला वर्ड क्या देना चाहिए? ऑप्टेन द लिस्ट, ऑप्टेन द लिस्ट। सेकंड पॉइंट वेरीफाई सेक्शन 189, मतलब वेरीफाई सेक्शन 189। सेकंड इसमें दो वर्ड मार्क करेगा। तीसरे इसमें वर्क डब्ल्यू आर, उसके बाद वर्किंग पेपर्स, उसके बाद प्रोसीजर्स, उसके बाद ऑडिट कमिटी, उसके बाद एसए 540 एंड डिस्क्लोजर। चलो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट केस में, ओके यू जस्ट नीड टू चेक इट आउट ओनली वन एलिमेंट। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट देते वक्त वेदर यू कंप्लाइड विद सेक्शन 42, ओके सेक्शन 42 का कंप्लायंस हुआ कि नहीं यही चेक करना है तेरे को, इससे ज्यादा चेक नहीं करना है। ओके पहला सीन, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इज नॉट डिफाइंड अंडर द एक्ट। मैंने आपको बताया डिफाइन नहीं किया हुआ है। दूसरा, तो फिर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कैन बी एनी अलॉटमेंट गिवन टू ग्रुप ऑफ पीपल। अगर कोई अलॉटमेंट खाली ग्रुप ऑफ पीपल को किया जा रहा है, तो भाई आपको यहां पर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट माना जाएगा। थर्ड, सेक्शन 42 लिखने की जरूरत नहीं है, बस सेक्शन 42 का इस चीज में कंप्लायंस हुआ कि नहीं, जस्ट चेक इट आउट। एंड व्हेन वी डिस्कस अबाउट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, ओके इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेम कॉन्सेप्ट, इफ यू रिमेंबर एंड यूज ऑफ बोरिंग। याद रहेगा एंड यूज ऑफ बोरिंग, क्या था एंड यूज ऑफ बोरिंग? जिस पर्पज के लिए, सेम कॉन्सेप्ट यहां पर वही है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जिस पर्पज के लिए किया है वो पर्पज यूज हो रहा है कि नहीं, कंप्लायंस विद सेक्शन 42, कॉन्सेप्ट यही है। बस इसके अंदर वो डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, तेरे को पर्पज चेक करना पड़ेगा ये सारा, बस कंप्लायंस विद सेक्शन 42। तो तीन चीजें अपने को ध्यान रखनी है, प्रोफेशनल अलॉटमेंट डिफाइन नहीं किया हुआ है, ओके दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल को दिया तो प्रोफेशनल अलॉटमेंट है, एंड सेक्शन 42 का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं। एवरी क्लियर? अपडेट मार दो। वापस एंड यूज ऑफ पर्पस देख रहे हैं अपन। फर्स्ट सिनेरियो, पहला मेन हेड पॉइंट लिख देना, वेदर कंपनी हैज मेड एनी, वेदर कंपनी हैज मेड एनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, वेदर कंपनी हैज मेड एनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, शेयर्स एंड डिबेंचर्स। क्लियर? डॉट सब पॉइंट वन, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इज नॉट डिफाइंड। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट नॉट डिफाइंड। सेकेंड पॉइंट, प्राइवेट प्लेसमेंट कैन बी एनी ऑफर ऑफ सिक्योरिटी, प्राइवेट प्लेसमेंट कैन बी एनी ऑफर। सेकेंड पॉइंट, प्राइवेट प्लेसमेंट कैन बी एनी ऑफर ऑफ सिक्योरिटी, एनी ऑफर ऑफ सिक्योरिटी। टू, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल और कंपनी, ग्रुप ऑफ पीपल और कंपनी, ब्रैकेट में लिखना, अदर देन पब्लिक, अदर देन पब्लिक ऑफर। थर्ड, सेक्शन 42 शुड बी कंप्लाइड सेक्शन 42 शुड बी कंप्लाइड एंड फंड्स शुड बी यूज्ड फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस, फंड्स शुड बी यूज्ड फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस।
एंड लास्ट पॉइंट, इफ नॉन कंप्लायंस इज देयर, इफ नॉन कंप्लायंस इज देयर, इफ नॉन कंप्लायंस देयर, प्रोवाइड द डिटेल ऑफ अमाउंट, प्रोवाइड द डिटेल ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व एंड नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस. Provide the detail of amount involved and nature of non-compliance. Are you clear? Okay, word क्या मार्क करने रहेंगे इसमें चार. सबसे पहला चार पॉइंट में सबसे पहले क्या देखना है, नॉट डिफाइंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, नॉट डिफाइंड है. प्राइवेट प्लेसमेंट करेगा ग्रुप ऑफ पीपल. थर्ड में दो वर्ड सेक्शन 42 और मनी यूज्ड. लास्ट पॉइंट दो वर्ड अमाउंट इन्वॉल्व एंड नेचर. ओके सर, सेकेंड लास्ट पॉइंट, नॉन कैश ट्रांजेक्शन कंपनी कर सकती है क्या? क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? मर्जर एक्वेशन में तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन ही होंगे, लेकिन किसके साथ का डिस्क्लोजर चल रही है? डायरेक्टर्स. डायरेक्टर्स के साथ भी कर सकती है. ओके, कंप्लायंस वाले पॉइंट है और उनमें डिस्क्लोजर करना है. तो उसमें सबसे पहला पॉइंट अभी नॉन कैश ट्रांजेक्शन क्या, सबसे पहला पॉइंट मेरे को अभी नॉन कैश ट्रांजेक्शन अपना हेड पॉइंट होगा. सबसे पहला पॉइंट, क्या नॉन कैश ट्रांजेक्शन किसी डायरेक्टर या पर्सन वो आर इंटरेस्टेड विद द डायरेक्टर आर एंटर्ड इनटू इट. ओके, अगर कोई नॉन कैश ट्रांजेक्शन आपने डायरेक्टर या पर्सन वो आर इंटरेस्टेड इन, मतलब डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड इन पर्सन, उनके साथ किया है क्या? अगर किया है तो सेक्शन 192 का कंप्लायंस किया है, और वही पॉइंट डिस्कशन कर रहे हैं अपन. अब यहां पर सेक्शन 192 याद रखना पड़ता वापस. ओके, यानी यहां पर कंप्लायंस किया हुआ क्या? अब सिनेरियो, ये कंप्लायंस देखने के लिए ऑडिटर शुड ऑब्टेन WR, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन. अब WR रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है, अपन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे. ओके, अबाउट नॉन कैश ट्रांजेक्शन एंटर्ड बाय कंपनी विथ इट्स डायरेक्टर और पर्सन. मैनेजमेंट को ही बोल तू भाई लिख के दे मेरे को कौन से ट्रांजेक्शन हुए. तीसरा सिनेरियो, ओके, यहां पर तू कैश फ्लो स्टेटमेंट भी चेक कर, ओके, टू आइडेंटिफाई नॉन कैश ट्रांजेक्शन. जो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन से कैश फ्लो के इसमें आने वाला था और उसको कौन सा बाद में उन लोग ने कैश फ्लो के चक्कर में उसको सेटल किया, ओके, विद रिस्पेक्ट टू नॉन कैश ट्रांजेक्शन, वो तू चेक कर, कैश फ्लो में तेरे को समझ में आ जाएगा. और ये ट्रांजेक्शन, ओके, जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन डायरेक्टर के साथ में है, तो सबसे पहले पता कर क्या ये ट्रांजेक्शन एंटर करने के पहले प्रायर अप्रूवल लिया है, किसमें? जनरल मीटिंग में, डायरेक्टर के साथ. क्या बाकी दूसरे नॉन कैश ट्रांजेक्शन नहीं? ओके, डायरेक्टर के साथ में. पांचवा, जो डायरेक्टर के साथ में नॉन कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है, अगर वो डायरेक्टर अपनी होल्डिंग कंपनी का भी डायरेक्टर है, ओके, यानी जिस कंपनी में नॉन कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है, इफ द कंसर्न डायरेक्टर इज ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी में भी अप्रूवल लेना पड़ेगा. यह सेक्शन 192 है जो कंप्लायंस का पॉइंट आ रहा है उसके सिनेरियो में. ओके, तो यहां पर वो कंप्लायंस में, ओके, उस होल्डिंग कंपनी ने भी अप्रूवल लेना है ये ट्रांजेक्शन होने के पहले, ये अप्रूवल हुआ है कि नहीं, ये दो चेक करना है तेरे को. ये दोनों चेक होने के बाद छठा पॉइंट, ओके, यहां पर जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन जिस पर्पस के लिए हो रहा है, एग्जांपल जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन पर्टिकुलर एसेट्स के लिए हो रहा होगा, वो एसेट का वैल्यूएशन डायरेक्टर ने बोला वो थोड़ा निकालेंगे. तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन में जो एसेट के सामने ये ट्रांजेक्शन हो रहा है, वो एसेट का वैल्यूएशन शुड बी कैलकुलेटेड बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर. जो भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर होगा उसके हिसाब से कैलकुलेट होना है. ये कॉमन पॉइंट है, दैट्स इट. यही तेरे को चेक करना है. अगर इसमें से कुछ भी नॉन कंप्लायंस हुआ है तो व्हाट यू नीड टू डू, डिस्क्लोज. या फिर डिस्क्लोजर का डिटेल कैसा रखना है वो नहीं, अब ये केस टू केस तेरे को डिफाइन करना होगा. देयर इज नो स्पेसिफाइड डिस्क्लोजर डिटेल जैसे हर जगह दे रहा था. बस ये पॉइंट है कि यहां पर कौन से नॉन कैश ट्रांजेक्शन है जहां पर नॉन कंप्लायंस हुआ है. डिस्कस द नॉन कैश ट्रांजेक्शन व्हिच हैज नॉट डिस्क्लोज द नॉन कैश ट्रांजेक्शन वेयर द कंप्लायंस हैज नॉट बीन डन. दिस इज योर कंप्लायंस विद नॉन कैश ट्रांजेक्शन. मेरे ख्याल से मालिक क्लियर. अगेन ये आरटीपी का क्वेश्चन था, आरटीपी का लास्ट क्वेश्चन था ऑलमोस्ट. नॉन कैश ट्रांजेक्शन विद डायरेक्टर वाला सिनेरियो, तो ध्यान रखना डायरेक्टर के साथ अगर नॉन कैश ट्रांजेक्शन हुआ तो एलडीआर तो है ही, वही ये पॉइंट तो क्लियर है.
ये एलडीआर में ध्यान रखना। वापस सारे एलडीआर की लिस्ट तो ये रहेगी रहेगी, अपडेट कर देंगे, पर लेकिन ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन का पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट। तो बात खत्म, इसमें तू डिवाइड ही मत कर। नॉन कैश ट्रांजेक्शन विद डायरेक्टर आ गया, रट ले आंसर कॉपी पेस्ट। ओके सर, पहला सिनारियो, वेदर वेदर कंपनी हैज एंटर्ड इनटू, वेदर कंपनी हैज एंटर्ड इनटू नॉन कैश ट्रांजेक्शन विद डायरेक्ट विद डायरेक्टर और पर्सन कनेक्टेड विथ हिम, विद डायरेक्टर और पर्सन कनेक्टेड विथ हिम, डायरेक्टर और पर्सन कनेक्टेड विथ हिम। अगर ये आंसर नो आ गया तो क्लॉज खत्म हो गया ना, मतलब क्लियर ना, डॉट। ओके सेकंड पॉइंट क्या करना अभी ऑडिटर ने, सबसे पहले मैनेजमेंट से ही ले लेना ऑप्टेन, स्टार्टिंग पॉइंट ही यही है तेरा, ऑप्टेन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। ऑप्टेन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर वेदर कंपनी हैज एंटर्ड इनटू, ऑप्टेन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, ले रहा हूं ऑप्टेन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर वेदर कंपनी हैज एंटर्ड इनटू नॉन कैश ट्रांजेक्शन विथ नॉन कैश ट्रांजेक्शन विथ क्या रे पंटर, डायरेक्टर विथ डायरेक्टर और पर्सन कनेक्टेड विथ हिम। थर्ड पॉइंट, रेफरेंस मे बी मेड, रेफरेंस मे बी मेड टू द, रेफरेंस मे बी मेड टू द डिस्क्लोजर्स इन, रेफरेंस मे बी मेड टू द डिस्क्लोजर्स इन कैश फ्लो ट्रांजेक्शंस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेफरेंस मे बी मेड टू द डिस्क्लोजर्स इन कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर नॉन कैश ट्रांजेक्शंस। नेक्स्ट, द कंपनी शुड हैव ऑब्टेन्ड, अभी अपन कौन से कंप्लायंस का देख रहे हैं, सेक्शन सेक्शन 192। द कंपनी शुड हैव ऑब्टेन्ड प्रायर अप्रूवल, चौथा पॉइंट, द कंपनी शुड हैव ऑब्टेन्ड प्रायर अप्रूवल फॉर सच अरेंजमेंट, the company should have obtained prior approval for such arrangement by a resolution in general meeting, by a resolution in general meeting, by a resolution in general meeting, are you clear? Next, इसी के साथ में क्या, अगर ये director concerned director किधर है, होल्डिंग कंपनी डायरेक्टर है, तो उसी कंपनी में लेटर वाले को भी वापस ये अप्रूवल पास करना पड़ेगा। इफ द कंसर्न डायरेक्टर और कनेक्टेड पर्सन इज ए डायरेक्टर ऑफ, इफ द कंसर्न डायरेक्टर और कनेक्टेड पर्सन इज ए डायरेक्टर ऑफ किसका, होल्डिंग कंपनी, डायरेक्टर ऑफ कंपनीज होल्डिंग कंपनी, ऐसे लिखना कंपनीज होल्डिंग कंपनी, कंपनीज होल्डिंग कंपनी कॉमा द लेटर टू, द लेटर टू टी ओ टू शुड हैव ऑब्टेन्ड सिमिलर प्रायर अप्रूवल, शुड हैव ऑब्टेन्ड सिमिलर प्रायर अप्रूवल should have obtained similar prior approval for the arrangement,
फॉर द अरेंजमेंट बाय रिजोल्यूशन, बाय रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, बाय रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग. मालिक क्लियर, पक्का, ये हो गया काम खत्म. ओके, और लास्ट लाइन क्या थी इसमें, जो भी अपन अरेंजमेंट करने वाले हैं उसका वैल्यूएशन किसने करना चाहिए, रजिस्टर्ड वैल्यूअर. नेक्स्ट, नोटिस फॉर अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन, छठा पॉइंट, लास्ट पॉइंट, नोटिस ऑफ अप्रूवल फॉर रेजोल्यूशन शुड कंटेन डिटेल ऑफ अरेंजमेंट. नोटिस फॉर अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन, नोटिस ऑफ अप्रूवल, सॉरी, नोटिस फॉर अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन, नोटिस फॉर अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन शुड कंटेन डिटेल्स ऑफ अरेंजमेंट, शुड कंटेन डिटेल्स ऑफ अरेंजमेंट. डिटेल्स ऑफ अरेंजमेंट along with value of assets, along with value of assets duly calculated by, along with value of assets duly calculated by, duly calculated by kya re punter, registered valuer, duly calculated by registered valuer. Ek to loan, जो गट फीलिंग है, लोन टू सेक्शन 199, गट फीलिंग की बात करोगे तो वो तीसरा वाला पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये दोनों में से तेरी मुलाकात होनी चाहिए भाई. हाँ, ये वाला, हाँ क्या, ये दोनों, एक लोन वाला, गट फीलिंग की बात करोगे एकदम तोड़, अगर मेरे को अगर कुछ दिख रहा होगा, भगवान सपना दिखाएगा तो ये दो का सपने दिखाता. ओके, वैसे सपने अभी कम आ रहे हैं क्योंकि नींद ही नहीं आ रही है, लेकिन जितने भी सपने आ रहे हैं उसमें ये तीन क्वेश्चन, दो क्वेश्चन के पॉइंट रहे. एक तो लोन टू सेक्शन 189 पार्टीज वाला, मैक्सिमम चांसेस है वो कैसा डिस्क्लोजर चाहिए, और एक ये वाला आप ध्यान रखना, नॉन कैश ट्रांजेक्शन. अगला वाला पॉइंट ऑलरेडी, ये भी कॉन्सेप्चुअली वापस इजीली है, इजी पॉइंट है, कोई है नहीं. अगर आपकी कंपनीज के फाइनेंशियल एसेट्स इज मोर देन 50% और आपके पास जो इनकम आ रहा है वो भी मोर देन 50% है, तो आप फाइनेंशियल टर्म्स में, मतलब लॉजिकली व्हेन वी आर डिस्कसिंग दिस पॉइंट, यू कैन पार्ट ऑफ, यू कैन बी पार्ट ऑफ एनबीएफसी. सेकेंड, एनबीएफसी के लिए आपको नेट ओन फंड्स भी होना जरूरी है, तो आपके नेट ओन फंड्स आप चेक कीजिए. ये दूसरा पॉइंट, यानी अगर कंपनी के कैपिटल एसेट्स, मतलब जो फाइनेंशियल एसेट्स है और उसका रेवेन्यू है, ये 50% के ऊपर है, कंपनी के नेट ओन फंड्स भी है. तीसरा सिनारियो, यहां पर कंपनी ने एनबीएफसी के लिए रजिस्टर करना चाहिए था, रजिस्टर करना चाहिए था 45IA अंडर, उसके अंदर वो रजिस्ट्रेशन करना चाहिए था विथ आरबीआई. ये रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये आपको चेक करना है. यानी एनी कंपनी विच इज इनटू दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, व्हेन देयर नेट ओन फंड्स, उनकी लिमिट है और उनका वो डिफाइन है, अगर ये दो कैलकुलेटेड पॉइंट है, उनको आरबीआई के साथ रजिस्टर करना जरूरी है. वो रजिस्ट्रेशन उनका हुआ है कि नहीं हुआ है, ये आप लास्ट क्लॉज में देखते हो, दैट्स इट. और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, पहला पॉइंट तेरे को पता करना, रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है. अगर हुआ है तो कॉन्सेप्ट खत्म ना, नहीं हुआ है तो तेरे को क्या लेना पड़ेगा उनसे, रीजंस. तेरे को उनको बोलना कि रजिस्टर करो, नहीं, उनसे क्या लेना है, रीजंस, दैट्स इट. दिस इज योर पर्टिकुलर पॉइंट. यानी एनी एनबीएफसी इफ दे आर ऑपरेटिंग एंड देयर फाइनेंशियल एसेट्स आर मोर देन 50%, अगर उनके फाइनेंशियल एसेट्स, अगर टोटल एसेट जितने उनके, उनमें से फाइनेंशियल एसेट्स 50% ज्यादा है और उनके पास जो ग्रॉस इनकम आ रही है, टोटल इनकम में से 50% इनकम उनको फाइनेंशियल एसेट्स से आ रही है, ये सीन, और उनके पास नेट ओन फंड्स है, दे आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ अंडर सेक्शन 45IA कुछ है, 45A, ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उन्होंने कंप्लीट किया है कि नहीं, ये तेरे को देखना है. ये कंपनी का सिनेरियो है, तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट किया तो ठीक है, नहीं किया है तो उनका डिस्क्लोजर चाहिए, और क्यों नहीं किया, रीजन चाहिए, दैट्स इट. ये हो गया तेरा कारो कॉन्सेप्ट खत्म. अब जो भी पॉइंट मैंने तेरे को बताया कि भाई जो अपन ने आंसर लिखे है वही आंसर तेरे को रटने हैं, आंसर का फॉर्मेट वही बनाना है. देयर आर सर्टेन क्वेश्चन व्हिच इज वेरी, मतलब लीस्ट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट, दैट फॉर श्योर, लीस्ट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट. एग्जांपल मैंने तेरे को बता दिया, कॉस्ट रिकॉर्ड 100% नहीं रहे, इम्पॉसिबल है.
ओके कॉस्ट रिकॉर्ड आना मतलब लास्ट रिसोर्ट रहेगा बिकॉज वो छोटे चैप्टर है. सी देर आर सर्टन कॉन्सेप्ट विच इज वॉट वी कॉल्ड पैरेटो एनालिसिस. ओके सेम कॉन्सेप्ट अपन बात कर रहे हैं 80-20 का कॉन्सेप्ट है. सेम लॉजिक वाला है यार वही कॉन्सेप्ट है ये वर्क होगा. इतना जो 80% वाला कॉन्सेप्ट है ना उसी एलिमेंट पे अपन खेल रहे हैं और 80% वाले कॉन्सेप्ट है तो 20% वाले एलिमेंट पे अपन ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते. तो 20% एलिमेंट वी कैन फोकस ऑन इट विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. फोकस ऑन इट ओके फ्रॉम कारो पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. यानी अगर मैं बात करूं क्लॉज वन टाइटल डीड्स इंपॉर्टेंट. ओके ये वाला पहला. क्लॉज टू इग्नोर कर सकते हो. क्लॉज थ्री एलडीआर तोड़े. ओके ये तो हो गया. फोर्थ वाला अपन इग्नोर कर सकते हैं. फिफ्थ वाला व्हेन वी डिस्कस अबाउट द फिफ्थ वाला सिनेरियो. फिफ्थ वाला सिनेरियो इज अगेन वी कैन जस्ट इग्नोर. ओके ये पहले पांच इसमें तेरे पास दो का ध्यान रखना जरूरी है. छठा सातवां आठवां नौवां दसवां याद आ रहा है क्या? छठा सातवां आठवां नौवां दसवां. छठवां कॉस्ट रिकॉर्ड्स, आठवां और नौवां ड्यूज ड्यूज स्टैट्यूटरी ड्यूज रीपेमेंट ऑफ ड्यूज. उसके बाद ड्यूज एंड यूज ऑफ बोरिंग्स एंड फ्रॉड. इसमें से ये इग्नोर हो सकता है छठा. स्टैट्यूटरी ड्यूज अगेन एलडीआर पे ध्यान रखो. ओके रीपेमेंट ऑफ ड्यूज नॉट एन क्रिटिकल इशू. मतलब ठीक है मतलब वन टाइम वॉच मतलब देख सकते हो. ओके एंड यूज ऑफ बोरिंग्स ओके ओके. टेंथ फ्रॉड वापस एलडीआर. ये अपने ध्यान रखना ये दो वापस अपने इसमें सेकंड नेक्स्ट सीरीज में वापस दो एलडीआर आ गए. ओके और लास्ट सीरीज में अपन ने ऑलरेडी मार्क किया होता तो ध्यान रखना चाहिए. ग्यारहवा एलडीआर मैनेजर रिमुनरेशन चांसेस है. ओके बारवा ओके निधि कंपनी ऑलरेडी चला गया है. तेरहवा रिलेटेड पार्टी नहीं भी पढ़ाना तो भी आंसर लिख सकता है. ओके तो 13 वाला पढ़ने वाला जरूरत भी नहीं है. 14th वाला सिनेरियो. ओके 14th वाले सिनेरियो में ओके यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन वी डिस्कस अबाउट 14th वाले सिनेरियो में प्रोफेशनल अलॉटमेंट एज सच बस वो एक एलिमेंट ध्यान रख लिया बट नॉट एन इंपॉर्टेंट एज सच. 15th तोड़ एलडीआर वापस ध्यान रखना. 15th तोड़ एलडीआर वाले ध्यान रखना. ओके और लास्ट 16th वाला ओके डोके वापस इग्नोर कर सकते हैं. एंड लास्ट में टोटल 6 क्लॉजेस पे आप ज्यादा करके ध्यान दो. बाकी वाले क्लॉज इग्नोर मत करो पूरी तरह. एक बार रीड मारो याद रखने की कोशिश मत करो. उसमें से मोटा मोटी याद रहता ठीक है. ओके अगेन वर्स्ट केस किस्मत रही जैसे अपने बोला नवंबर 14 में जहां पर ये सीधा कारो उठा दिया 3-4 क्वेश्चन तो फिर अपने लिए तो बहुत बड़ा रिस्क है. लेकिन अगेन वो वर्स्ट केस सिनेरियो. अगर पूरे एलिमेंट देखोगे अभी तक के देखोगे वही एक एटम था जहां पर कारो इतना बड़ा आया था 3 क्वेश्चन एक साथ में. ओके तो ये वाले सिनेरियो में और इन 6 के अलावा बट दैट इज अगेन ए वेरी रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट रिस्क. ओके एक आइटम ऐसा भी निकला था अगर मैं इसका भी कैलकुलेशन करता हूं तो एक आइटम ऐसा भी निकला था जिसमें इसका के इसमें चैप्टर 7 आईटी एक्ट वाला जो मैं छोड़ने बोलता हूं वो वाले सिनेरियो में टोटल 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ गए थे. बट इज अ रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट रिस्क एलिमेंट. तो अगेन सेम सिनेरियो इतना अरे कितना बड़ा सिलेबस ऑडिट का भाई क्या क्या पूछेगा वो. अगर खाली कारो ही पूछेगा तो बाकी सब खत्म हो जाएगा. तो ये सिनेरियो में कारो के इसमें ये 6 पॉइंट अच्छे से ध्यान रखो. एप्लीकेबिलिटी अच्छे से ध्यान रखो. बस एप्लीकेबिलिटी में जहां पर भी कंफ्यूजन होगा ना वो खाली रिजर्व सरप्लस होगा. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड सीधा माइनस करो रिजर्व प्लस सरप्लस में दिमाग फोड़ी करो मत. दैट इज ओनली एलिमेंट नीड टू बी टेकन केयर. बस ये सिनेरियो रखो कारो वाला कंप्लीट रखो. 6 मार्क 4 से 6 मार्क आई एम 100% एक्सपेक्टिंग ऑन कारो. 100 मतलब 100% मतलब नो सेकंड थॉट ऑन कारो. नो सेकंड थॉट ये वाला ध्यान है. कंफर्म मतलब कंफर्म मेरे ख्याल से मालिक क्लियर. अपडेट मार दो कारो केस में. लास्ट वाला पॉइंट 16वां वेदर कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड. हाँ हेडिंग इज रजिस्ट्रेशन विथ आरबीआई. रजिस्ट्रेशन विथ आरबीआई रजिस्ट्रेशन विथ आरबीआई वेदर कंपनी इज रिक्वायर्ड. फर्स्ट पॉइंट वेदर कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विथ आरबीआई. वेदर कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विथ आरबीआई डैश. फर्स्ट पॉइंट The financial statement should be examined. इसका first point था. First, second, third. First point. Financial statement should be examined to ascertain. Financial statement to be examined to ascertain whether company's financial asset. Company's financial asset. Constitute more than 50% of total assets
वो देन कितना ओके और साथ में क्या था एंड ओके एंड इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स कंस्टिट्यूट मोर देन नहीं इनकम फाइनेंशियल एसेट मेरे 50% के ऊपर है और उस फाइनेंशियल एसेट जो 50% के ऊपर है उसमें से जो इनकम आ रही है वो भी 50% के ऊपर है एंड इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट कंस्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ ग्रॉस इनकम मैंने क्लियर नेक्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट क्या चाहिए था कंपनी वाइज क्या होना चाहिए नेट ओन फंड्स वेदर कंपनी हैज नेट ओन फंड्स वेदर कंपनी हैज नेट ओन फंड्स नेट ओन फंड्स एज रिक्वायर्ड बाय एनबीएफसी एज रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एनबीएफसी एज रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एनबीएफसी ऑल क्लियर नेक्स्ट पॉइंट तीसरा पॉइंट वेदर कंपनी हैज ऑब्टेन्ड द रजिस्ट्रेशन एज एनबीएफसी और नॉट whether company has obtained the registration as NBFC or not okay ye ho gaya tera pehla point second point if registration second main point if registration is required and not obtained second main point if registration is required and not obtained comma obtain reasons thereof obtain reasons thereof word mark kar do sabse pehla financial assets 50% net own funds aur last point kya tha nbfc ke liye requirement hai ki nahi hai nbfc registration and last point reasons thereof ye tere ko dhyan rakhna hoga when we are discussing about this particular point of karo मेरे ख्याल से मालिक क्लियर कारो है अरे हाँ या ना